वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 23 से 33 तक करवाया जाएगा। तो सबसे पहला लेक्चर देखते हैं आज का, वो है लेक्चर नंबर 23, जिसमें का टॉपिक है वेरिएबल प्राइसिंग। अच्छा, पहले है फिक्स प्राइसिंग। फिक्स प्राइसिंग से मुराद क्या है? फिक्स प्राइसिंग से मुराद वो प्राइस जो फिक्स होती है, जिसमें कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं होती। ये प्राइस तब तक फिक्स रहती है जब तक कोई सिचुएशन चेंज ना हो जाए। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होती तो ये प्राइस फिक्स रहती है, इसको इसीलिए इसको कहा जाता है फिक्स प्राइसिंग। और दूसरी है वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग में क्या होती है? प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होती, यानी कि वेरी होती है, चेंज हो सकती है। इसमें नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है, कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है। और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये वेरिएबल प्राइसिंग होती है। जैसे रियल स्टेट है, रियल स्टेट के अंदर यही होता है कि कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग करता है और प्राइस जो है वो नेगोशिएट होती है। नाउ दी टू वेरिएंट्स ऑफ वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग भी दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राइस शेडिंग, जिसके अंदर एम्प्लॉई को यानी कि जो सेल पर्सन होते हैं कंपनी के, उनको एम्पावरमेंट होती है, एम्पावर होते हैं वो कि प्राइस को चेंज कर सकते हैं, वो उनको परमिशन होती है कि वो प्राइस को वेरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है ऑक्शंस। ऑक्शन क्या है ये तो आपको पता ही होगा, नीलामी को कहा जाता है। ऑक्शन का मतलब होता है बिडिंग करना। अक्सर आपने एड्स देखा होगा, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं जहाँ है JCA की बुनियाद पर फ़रोख्त करना है। अगर कोई एग्जांपल गाड़ी है, कोई उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जहाँ है JCA की बुनियाद पर फ़रोख्त करने के मतलब ये है कि वो एक्सीडेंट हो चुका है तो उस बुनियाद पर उसको फ़रोख्त करना है। तो वहाँ जो है वो ऑक्शन हो रही होती है, यानी नीलामी होती है, उसमें फिर बिडिंग की जाती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। नाउ दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर होता क्या है कि वो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे। यानी इतनी क्वांटिटी पे आपको कंपनी बहुत कम चीज़ बनाएगी तो जाहिर बात है उसको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी तो उसको फ़ायदा होगा, जब उस लिमिट को क्रॉस करेगी तो फिर उससे ज़्यादा पे भी उसको लॉस होगा। तो ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करना कि जिस पे कंपनी को फ़ायदा हो, तो ये कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नाउ द टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस होती हैं इसके अंदर। एक तो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? जितना भी टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो जो है टोटल रेवेन्यू में होता है, जितना भी फ्लो ऑफ इन एक तरह से फंड है, कैश है, जितना भी पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। जबकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट की सेल है उस पर। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो 100 यूनिट्स बेच रही थी किसी एक प्रोडक्ट के, 100 यूनिट्स पे उसको 1 लाख रुपीज़ मिल रहे थे, तो वो जो 1 लाख रुपीज़ है वो तो हो गया जनाब टोटल रेवेन्यू। जब तक वो 100 यूनिट्स बेच रही है किसी एक प्रोडक्ट के, तो उसको जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है वो तो मिल रहा है 1 लाख रुपीज़। लेकिन अब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचना शुरू कर दिया, अब वो जो एक्स्ट्रा यूनिट वो बेच रही है कंपनी, एक्स्ट्रा यूनिट बेचती है और एक्स्ट्रा यूनिट पर उसको जहाँ पर एक तरफ 1 लाख मिल रहे थे, अब उस एक्स्ट्रा यूनिट के सिर्फ एक यूनिट बिकने के उसको 5,000 मिल रहा है, यानी कि 1 लाख से 1,05,000 मिलना शुरू हो गया 101 यूनिट पे। 100 यूनिट्स पे 1 लाख मिल रहे थे एंड 101 यूनिट्स पे उसको 1,05,000, तो 5,000 रुपये जो होंगे वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। मार्जिनल का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट पे जितना रेवेन्यू मिल रहा है, जितनी इनकम आ रही है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ सम बेसिक डेफिनेशंस, तो इसमें है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, यानी जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती चली जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिक्स रहती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, रेंट है, वेजेस है, जारी बात है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं एंड जनरल किपअप। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जितनी भी प्रोडक्शन हो, चाहे कंपनी जीरो प्रोड्यूस करे, 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ये तमाम कॉस्ट जो है वो फिक्स होती हैं। लाजमी ये कॉस्ट पे करना पड़ती हैं, चाहे जितनी भी कम प्रोडक्शन हो जाए, चाहे जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्शन से इस पर कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे कि मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, अगर सॉप बना रही कंपनी तो सॉप बनने के अंदर जो मटेरियल है, जितना ज़्यादा सॉप प्रोड्यूस करेगी जारी बात है मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे पावर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी सामान को इधर से उधर ले आना, वो भी बढ़ती चली जाएगी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अच्छा, अब अहम बात ये जहन में रखने की है कि फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हैं, टोटल कॉस्ट के बराबर हैं, दोनों को अगर मिला दें तो। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, अब इसको और समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब जो है वो होता है टोटल अमाउंट
दैट फ्लोज इन टू दी फर्म, जो टोटल अमाउंट होता है फर्म के अंदर जो फ्लो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, प्रोडक्ट सेल्स मेन सेल सोर्स तो रेवेन्यू की सेल होती है, कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स से जितना पैसा आ रहा है वो तमाम का तमाम रेवेन्यू है। अगर 1 मिलियन की सेल हुई तो 1 मिलियन ही रेवेन्यू हुआ, तो वो प्रोडक्ट्स की सेल्स है रेवेन्यू आ रहा है 1 मिलियन। उसके अलावा गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है कई प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी प्रोडक्शन के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है वो भी इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा वेंचर कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वेंचर के ऊपर, और साथ में पर्सनल फंड्स, पर्सनल फंड से हमारा जो एक्टर इन द बिज़नेस होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं बिज़नेस में, वो जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं जैसे पार्टनर्स वगैरह, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल फंड्स। नाउ द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट का सिंपल फार्मूला है कि टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि 100 यूनिट बने 1 लाख के, 1 लाख के अगर 100 यूनिट्स बने किसी भी चीज़ के, यानी 100 पीस बने, 100 पीस जो बन गए किसी भी चीज़ के, 100 यूनिट जो बन चुके हैं, अब वो 1 लाख के बने हैं, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000, यानी 1000 रुपये, तो वो 1000 जो है वो एवरेज कॉस्ट आई पर यूनिट की, तो उसको हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट। नाउ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जिस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू होता है मार्जिनल कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। 100 यूनिट्स बन रहे हैं 1 लाख के, एक एक्स्ट्रा यूनिट और हम प्रोड्यूस करते हैं 101, यानी कि 101 यूनिट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर फॉर एग्जांपल 5000 की कॉस्ट आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो 5000 की जो कॉस्ट होगी वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 लाख के, लेकिन एक और यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो 101वां यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 5000 में अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब है टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू मेथड का ये ग्राफ, इसको आपने सिर्फ समझना है, नॉर्मली ये बनाने के लिए आता नहीं है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है अब तक तो आपको ये ग्राफ काफ़ी इजी लगेगा और आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस ग्राफ को समझने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे यहाँ नीचे जो ये लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, ये है क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम, यानी पर पीरियड ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और ये है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वो है यानी कि जो फिक्स है, अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, इसी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, यानी इसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, ये कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो रही, बल्कि ये बिल्कुल फिक्स है, इसी वजह से इसको बिल्कुल फिक्स दिखाया गया है, स्ट्रेट दिखाया गया है। इसके मुकाबले में अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो है वो कभी गिर रहा है नीचे और कभी ऊपर उठ रहा है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए का, यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये प्रॉफिट दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है वो शुरू में बढ़ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर दोबारा बढ़ रही है, और इतनी बढ़ रही है कि वो टोटल रेवेन्यू से भी ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो टोटल रेवेन्यू जो है वो उतना बढ़ता चला जा रहा है। ये जो है क्वांटिटी का शो कर रहा है ये लाइन हॉरिजॉन्टल, और आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटी जाती जा रही है वहाँ उतना ज़्यादा ये टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, तो ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं सी टू बी और नीचे ए तक ये आ रहा है और क्यू तक, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है, इतनी क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस होगी तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज है, सबसे कम है, और टोटल रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिस पर टोटल कॉस्ट बहुत कम है, इसी वजह से टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इतनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज़ द मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू मेथड। अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड, अब मार्जिनल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, तो अब ये इस ग्राफ में आपको वही नीचे तो दिखाएगी क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम, पर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट का ये ग्राफ है जो कि पहले नीचे जा रहा है फिर वो ऊपर आता चला जा रहा है, इसी तरह से टोटल कॉस्ट का ये ग्राफ है जो पहले नीचे जाता जाता है फिर ये ऊपर आता जा रहा है। अब यहाँ कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो वो है ये वाला पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसा है जिस पे
और ये मार्जिनल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स है, ये कभी भी ज़्यादा या कम नहीं हो रहा, बल्कि मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल ही कांस्टेंट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले डिक्लाइन होती है और फिर इंक्लाइन होती जा रही है। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है। नाउ दी मोड्स ऑफ ऑपरेशन, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आप इजीली समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है। अब पहला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, यानी एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा यूनिट की जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो ज़्यादा है एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों बराबर है, जैसा कि अभी पीछे आपको डायग्राम में दिखाया गया। जब वो दोनों बराबर होंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉस मिनिमाइजेशन में होता ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कम हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ गई, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव करते हैं। ऐसी स्टेज पर होते हैं कि लॉस में तो फर्म जा रही है लेकिन सर्वाइव कर रही होती है फर्म। उसके बाद फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि शट डाउन करना पड़ जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है कि कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है, और जितनी जल्दी शट डाउन किया जाएगा जाहिर बात है उतना ज़्यादा लॉस से बचा जा सके। अब है लेक्चर नंबर 24, जिसका टाइटल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी इस लेक्चर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो एक टेक्निकल किस्म की टर्म है, डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड सुन के लोगों के जहनों में हो सकता है नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म है और जाहिर बात है इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन होना, यानी फ़र्क होना प्राइस के अंदर, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और इसकी भी कई सारी टाइप्स हैं। पहली टाइप है बाय कस्टमर, एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे सेल की जा रही है, दूसरे कस्टमर को दूसरी प्राइस पे, जो कस्टमर ज़्यादा एफोर्ड कर सकता है उसको ज़्यादा पे की जा दी जा रही है, और जो कम एफोर्ड कर सकता है उसको कम प्राइस पे। तो बाय कस्टमर भी होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सोल्ड। अब किसी ने एक पीस लिया है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको ज़्यादा प्राइस पे दिया जाएगा। जिसने ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली, 10 पीस खरीद ली एक ही प्रोडक्ट के, तो उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आया था, यानी कि फ़र्क आ रहा है इनके, एक कस्टमर से एक चार्ज और दूसरे से दूसरी चार्ज, और कम क्वांटिटी वाले से ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा क्वांटिटी वाले से कम चार्ज। वेरीज बाय लोकेशन भी होता है, एक जगह जहाँ से सपोज करें होलसेल मार्केट जहाँ से करीब है, उस लोकेशन पे अगर रिटेल में कोई प्रोडक्ट ख़रीदी जाएगी तो वो कम कीमत पे होगी, और ऐसी जगह किसी रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे मार्केट है बहुत कम है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर बेची जा रही है तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो वेरीज़ बाय लोकेशन, लोकेशन से भी प्राइस पे फ़र्क पड़ता है, एंड वेरीज़ ओवर टाइम। अब ज़ाहिर बात है टाइम से मुराद यही है, गर्मियों के अंदर बर्फ़ महंगी, आइसक्रीम महंगी, सर्दियों में कॉफ़ी महंगी, तो या सूप महंगा, तो ये जो है वेरीज ओवर टाइम। नाउ दी बल्क डिस्काउंट, अब कोई बल्क में कर रहा है प्रोडक्ट को परचेस बल्क क्वांटिटी में, तो उसको डिस्काउंट दिया जाए। इसके अलावा इंसेंटिव डिस्काउंट दिए जाते हैं कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, जो कस्टमर बार बार प्रोडक्ट ख़रीदे उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाए ताकि उसको मोटिवेट किया जाए, या फिर वो कस्टमर हमारा पुराना कस्टमर जो दूसरे कस्टमर लेकर आ रहा है तो इस बुनियाद पे भी उसको डिस्काउंट दिया जा सकता है। इसको हम कहते हैं इंसेंटिव डिस्काउंट, यानी एक तरह से उसको एक इंसेंटिव दे रहे होते हैं। उसके अलावा सीजनल डिस्काउंट भी होते हैं। सीजनल अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट सीज़न पे डिफरेंट सेल्स लगती हैं, तो उसको हम कहते हैं जैसे न्यू ईयर्स की सेल लगी तो ये डिफरेंट सीज़न पे लगती है। इसी तरह से समर की अंदर समर सेल लगी या विंटर सेल लगी, तो ये तमाम जो है वो सीजनल डिस्काउंट होते हैं। और बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो सीजनल डिस्काउंट का वेट कर रहे होते हैं, वो उसी वक्त ख़रीदते हैं प्रोडक्ट जब सीजनल डिस्काउंट होता है। नाउ दी मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर है क्या चीज़? कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर देना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब डिस्क्रिशन नहीं होता है। डिस्क्रिशन के अंदर तो ये होता है कि एक सेलर ये चाहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे उतनी प्राइस चार्ज करूँगा, वो एक चाय का कप भी चाहे वो बोले कि मैं 1000 रुपये में बेचूंगा, तो उसको तो हम डिस्क्रिशन कहेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में डिस्क्रिशन नहीं होता। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए डायरेक्ट सेगमेंटेशन भी की जा सकती है, जैसे किसी रिटायर्ड पर्सन का हम एक सेगमेंट बना लें, और जो हमारे यहाँ पे एक सेगमेंट नहीं होता जैसे सीनियर सिटीज़न का सेगमेंट है वो भी हम बना सकते हैं जो यहाँ पे होता नहीं है। और इनडायरेक्ट सेगमेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, कवर्ट मेथड यूज़ किया जाता है सेगमेंट बनाने के लिए, एक यानी खुफिया तौर पे एक किस्म की सेगमेंटेशन कर ली जाती है कि कस्टमर से जो है वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज किए जाएंगे।
नाउ द हायरार्की कंप्लीट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इज इन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. अच्छा अब है सेल्स रेवेन्यू विदाउट एंड विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब ये दो ग्राफ आपको दिखाए जा रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बगैर और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ. तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अगर हम बगैर देखें तो यहाँ पे प्राइस फिक्स है और क्वांटिटी भी. तो यहाँ पे जो है वो एक फिक्स जो है अमाउंट में जो है रेवेन्यू आएगा, क्योंकि क्वांटिटी भी फिक्स है जारी बात है और प्राइस भी फिक्स है. तो सेम क्वांटिटी सेल होगी जब हमारा प्राइस फिक्स रहेगा. लेकिन जब नीचे आप देखें विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो जब प्राइस में फ़र्क आ रहा है, जैसे ही प्राइस गिरते हैं पी वन से पी टू पे, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें आप देखें कितना बड़ा फ़र्क आया. जो क्वांटिटी डिमांड है जारी बात है, जो क्वांटिटी उसकी सेल होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी जब प्राइस गिरेगा, तो उससे फिर रेवेन्यू भी बढ़ेगा. अब ये मल्टीपल मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस जब चार्ज किए जाते हैं तो वो क्या है. अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसी मार्केट, मार्केट ए जो है जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है. इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से तो प्राइस जो है वो कम चार्ज किया जा रहा है, जबकि मार्केट बी जो है वहाँ इलास्टिसिटी कम है तो वहाँ ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है. और ये टोटल मार्केट का है, यानी इन दोनों मार्केट को जब हम ऐड कर लेंगे या जितनी भी मार्केटें होंगी, तो फिर एक और ग्राफ आएगा, वो है टोटल मार्केट का. और यहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है. अब कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं यहाँ पे, इनको देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, यानी फ़र्क जो आता है प्राइसेस के अंदर. अब ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना. स्टूडेंट्स को भी डिस्काउंट मिलता है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, स्टूडेंट से पैसे कम चार्ज किए जाते हैं. बस कुछ बसेस और ट्रेन सर्विसेज ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट से कम डिस्काउंट चार्ज करती हैं. एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, लेकिन वो स्टूडेंट से नहीं करती, वो डिफरेंट उनके टाइमिंग वगैरह का होता है कि टाइमिंग के हिसाब से, या चांस टिकट वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी वो कम चार्ज करते हैं. तो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी होता है, रिटेल इंसेंटिव भी होते हैं, इंडस्ट्रियल बायर्स को भी इंसेंटिव मिलते हैं जो इंडस्ट्री के बायर होते हैं, जो इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स खरीद ले होते हैं, और यूनिवर्सल प्राइसिंग. नाउ द लेक्चर नंबर 25 विच इज़ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का और ब्रांड का, जो सेल के लिए ऑफ़र करती है कंपनी, यानी कि जितनी भी सर्विसेज, ब्रांड्स या प्रोडक्ट एक कंपनी ऑफ़र कर रही है सेल के लिए, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं. इन तमाम चीज़ों की कलेक्शन को, यानी एक पूरा पैकेज होता है ये पोर्टफोलियो जो होता है. अब तीन टेक्निक्स हैं हमारे सामने, बीसीडी विच इज़ द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस, एंड जीई विच इज़ द जनरल इलेक्ट्रिक मल्टी फैक्टरल एनालिसिस. नाउ द फर्स्ट वन इज़ द बीसीजी एनालिसिस. अब इसको देखते हैं डिटेल में. तो इसमें दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक रिलेटिव मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट. इन दोनों चीज़ों से हम, इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए चार किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, यानी प्रोडक्ट को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उनको फिर नाम दिए गए हैं, कुछ फनी से कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के नाम दिए गए हैं. अगर ऐसी प्रोडक्ट जिसका हाई मार्केट शेयर है, मार्केट में उसका शेयर भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन उसकी ग्रोथ कम है, ग्रोथ तो कम हो रही है लेकिन उसका शेयर जो ऑलरेडी जो शेयर है वो बहुत है, तो उसको हम कहते हैं कैश काउ. कैश काउस कहलाती हैं ऐसी प्रोडक्ट के शेयर तो बहुत है मार्केट में उनका, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही. ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी हाई मार्केट शेयर है, शेयर भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में और उनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे स्टार्स. जैसे एप्पल वालों का आईफोन जो है वो स्टार प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं स्टार्स प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स विद लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ, उनको हम डॉग कहते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका शेयर भी बहुत कम है और जिनकी ग्रोथ भी बहुत कम है मार्केट के अंदर, तो उनको हम डॉग प्रोडक्ट्स कहते हैं. ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका शेयर तो जो है बहुत कम है, अभी तो शेयर कम है लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अब ग्रोथ हो रही है लेकिन शेयर नहीं बढ़ रहा मार्केट का, तो वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं या फिर प्रॉब्लम चिल्ड्रन का कहते हैं. तो कंपनी को अपना जो पोर्टफोलियो उसको बैलेंस रखना चाहिए, यानी जो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको एक बैलेंस रखना चाहिए कंपनी को. अब है जी ई मल्टी फैक्टरल एनालिसिस. अब ये मल्टी फैक्टरल एनालिसिस है तो ये इसमें हम यही चीज़ देखते हैं. हमने बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स जो है, जो बीसीजी मैट्रिक्स है, उसमें तो सिर्फ हमने ये देखा मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया चार हिस्सों में. लेकिन अगर अब हम ये देखेंगे कोई प्रोडक्ट स्टार क्यों है, कोई प्रोडक्ट कैश काउ क्यों है, कोई प्रोडक्ट डॉग क्यों है, तो उसकी डिटेल के लिए हम फिर इसको यूज़ करते हैं. किसको? जी ई मल्टी फैक्टरल एनालिसिस, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक मल्टी फैक्टरल एनालिसिस. इसमें हम मल्टी फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, कई सारे फैक्टर्स को हम देख रहे होते हैं.
यही फ़र्क है BCG में और GE के अंदर। नाउ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज़ किया जाता है। ये एक फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को, तो उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस एंड व्हाट विल हैपन टू प्रॉफिट्स। नाउ द लेक्चर नंबर 26 एंड द टॉपिक इज प्रोमोशन। अच्छा, प्रमोशन का जो है वो ये लेक्चर है और इसमें सबसे पहले है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में मार्कॉम कहते हैं, तो इसी वजह से मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मैनेजर्स को कहा जाएगा मार्कॉम मैनेजर्स। और ये जाहिर बात है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। एंड दोस हु प्रैक्टिस, और जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसा कि एडवर्टाइजिंग का आपको पता होगा, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है। ब्रांडिंग होती है, ब्रांड डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग से मुराद ये कि कंपनी खुद मार्केटिंग करती है, यानी कि खुद ही सेल्स करेगी या खुद ही एडवर्टाइजिंग करेगी, उसको डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये भी एक मार्केटिंग का एक हिस्सा है, मार्केटिंग आ गई इसमें। एंड दी पैकेजिंग, प्रमोशन आ जाता है, प्रमोशन भी जारी बात है एक हिस्सा है मार्केटिंग का। एंड पब्लिसिटी एंड दी पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी जो है वो नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, जैसे न्यूज़ में किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई न्यूज़ आती है, उसको हम पब्लिसिटी कहते हैं। और पब्लिक रिलेशंस यानी पब्लिक के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना। सेल्स प्रमोशन एंड दी ऑनलाइन मार्केटिंग, सेल्स की प्रमोशन करना, उसको प्रमोट करना किसी भी तरीके से, जो तरीके हैं उनसे, और ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आज के दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत कॉमन है, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट का दौर है। क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंटेड मार्केटिंग कोलेट्रल, ये प्रिंटेड मार्केटिंग कोलेट्रल को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, इससे मुराद क्या है, यानी कि ऐसा प्रिंटेड मटेरियल जो सपोर्ट करता है सेल्स को, ऐसा प्रिंटेड मटेरियल या मीडिया जिसे हम कह लें, उसको हम कहते हैं प्रिंटेड मार्केटिंग कोलेट्रल। प्रमोशन जो है वो वन ऑफ द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, चार एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट है मार्केटिंग का प्रमोशन जो है। अदर थ्री कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम प्लेस भी कहते हैं। आपने फोर पीस पढ़े होंगे मार्केटिंग के बेसिक कोर्स में, जिसको मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो ये चारों वही हैं। अच्छा, प्रमोशन जो है वो उसकी चार सब कैटेगरीज भी हैं। अब प्रमोशन की चार सब कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग है, जैसा कि आपको पता है एडवर्टाइजिंग क्या है, उसके अलावा पर्सनल सेलिंग है, कस्टमर से जाके उसको पर्सनली तौर पे सेल करना है, सेल्स प्रमोशन है, उसके अलावा पब्लिसिटी है और पब्लिक रिलेशन है। अच्छा, अब है आपके सामने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लानिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस देखा जाता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, फिर उसके बाद क्या गोल्स होंगे, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि गोल्स क्या हैं हमारे, उसके बाद फिर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, प्लान बनाया जाता है। अब वो स्ट्रेटजीज पुल भी हो सकती हैं या पुश भी हो सकती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन मिक्स, अब जो कम्युनिकेशन मिक्स है यानी कई सारे कम्युनिकेशन के जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ये नहीं हो गए प्रिंट एडवर्टाइजिंग कुछ है, टीवी पे आप कुछ और दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल नहीं है, तो तमाम जितनी भी कम्युनिकेशन जो मिक्स है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर आखिर में जो स्टेप आता है वो होता है कंट्रोल एंड इवेल्यूएशन, उसको हम इवेल्यूएट करें, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर उस पर हम कंट्रोल भी करेंगे। नाउ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अब जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसको इंटीग्रेट होना चाहिए, यानी कि क्या मतलब है, जितने भी कम्युनिकेशन के जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, जैसा टीवी पे एडवर्टाइजिंग हो रही है, न्यूज़पेपर पे हो रही है और रेडियो पे हो रही है, अब टीवी पे ऐड चल रहा है वहाँ कुछ और दिखाया जा रहा है, रेडियो पे ऐड चल रहा है वहाँ कुछ और दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर पे कुछ और दिखाया जा रहा है, तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी तीनों जगह, हर जगह जहाँ जहाँ भी कम्युनिकेशन की जा रही है कस्टमर्स के साथ, तो वो जो है सेम मैसेज दे, जो मैसेज हो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का वो सेम होना चाहिए, टीवी पे भी वही चीज़ हो, रेडियो पे भी वही चीज़ हो, न्यूज़पेपर पे भी वही चीज़ हो। अब मॉडल फॉर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, अब मॉडल को पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के मॉडल को, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो है वो है कस्टमर डेटाबेस। अब कस्टमर का पूरा डेटाबेस तैयार कर लिया जाता है, हर एक कस्टमर का पूरा एक रिकॉर्ड होता है,
जितने भी कस्टमर्स आए उन सबका एक रिकॉर्ड, कौन से कस्टमर्स ने कौन सी तारीख को कौन सी चीज़ परचेज़ की, तो इन तमाम चीज़ों का एक पूरा रिकॉर्ड बन जाता है जो कस्टमर डेटाबेस में सेव होता है कंपनी में। उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं उसी डेटाबेस को सामने रख के। स्ट्रेटजीज़ क्या होते हैं, ये कुछ प्लान होते हैं। उसके बाद जब वो प्लान बन जाए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्टिक्स बनाए जाते हैं। टैक्टिक्स एक तरह से आप ये समझे एक तरकीब है, एक रेसिपी है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये एक तरतीब या रेसिपी वगैरह है। और फिर जब जाहिर बात है टैक्टिक्स कर दिए आपने अप्लाई, उसके बाद फिर रिजल्ट्स को इवेल्युएट करें, एग्जामिनेशन करें कि जो नताई जा रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो बेहतर नताई जा रहे हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी हो रहा है कि अचीव नहीं हो रहा। देन दे कम्प्लीट द लूप स्टार्ट अगेन एट फर्स्ट, यानी कि अब दोबारा से उसको स्टार्ट करें कस्टमर डेटाबेस से दोबारा। अब आप देखेंगे अगर रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो अब आप उस लूप को दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा आप जो है वो कस्टमर डेटाबेस करें, फिर स्ट्रेटजीज बनाएं, फिर टैक्टिक्स करें और फिर दोबारा से उसको जो है वो इवेल्युएट करें, तो ये जो है लूप को दोबारा स्टार्ट करें। नाउ द सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन में से है, ये तो आपको बताया गया था प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन में से। सेल्स प्रमोशन जो है वो नॉन पर्सनल प्रमोशन अफोर्ड है जिनको डिज़ाइन किया गया है इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन सेल, यानी कि फौरन नताइज लाने के लिए, सेल्स के ऊपर फौरन नताइज लाने के लिए सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया जाता है। यानी इससे ये होता है कि फौरन के फौरन जैसे ही सेल्स प्रमोशन होती है उसके फौरन बाद जो है वो सेल्स पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छी सेल्स प्रमोशन होगी तो फौरन सेल्स में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। कूपन्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कूपन्स देते हैं कंपनी वाले, डिस्काउंट्स भी दे सकती हैं, और उसके अलावा कॉन्टेस्ट, बहुत सी कंपनीज जो है वो कॉन्टेस्ट करवाती हैं, कुछ मुकाबले करवाते हैं और फिर जीतने वाले को इनाम भी देते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले भी होता है, ये अक्सर सुपरमार्केट में होता है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होते हैं दरमियान में रखी होती हैं बाकायदा एज अ प्रमोशन। रिबेट्स भी दी जाती हैं, फ्री सैम्पल्स दिए जाते हैं, फूड आइटम्स के केस में होता है अक्सर ऐसा। गिफ्ट्स भी कभी कभार दे देते हैं कंपनी वाले, फ्री ट्रैवल भी दे देते हैं, फ्री फ्लाइट्स वगैरह जैसा, ये भी सब प्रमोशन की टेक्निक्स हैं। नाउ द कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक, अब कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। वो है प्राइस डील है, लॉयलिटी रिवार्ड्स प्रोग्राम है, यानी लॉयलिटी कस्टमर जो लॉयल होता है उसका, सेंस ऑफ डील होता है एंड द प्राइस पैक डील होता है। उसके अलावा कूपन्स हैं, लॉस लीडर है, लॉस लीडर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सुपरमार्केट में कंपनीज ने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कंपनी लॉस पे बेच देती है या फिर विदाउट एनी प्रॉफिट बेच देती है क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा होता है दूसरी प्रोडक्ट से। अक्सर आपने देखा होगा कई सारी सुपरमार्केट्स ये करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो इनकी बहुत सस्ती होती हैं और कुछ प्रोडक्ट काफ़ी महंगी होती हैं, तो वो अर्न कर रही होती हैं महंगी प्रोडक्ट से और कुछ प्रोडक्ट को वो सस्ती कर देते हैं ताकि कस्टमर आ जाए। जब कस्टमर आता है तो सुपरमार्केट से कोई ना कोई दूसरी चीज़ भी वो लाजमी ख़रीद लेता है, तो ये होता है। फ्री स्टैंडिंग इंसर्ट एंड दी ऑन शेल्फ कूपनिंग, उसके अलावा चेकआउट डिस्पेंसर्स हैं, ऑनलाइन कूपनिंग भी है, रिबेट्स है, कॉन्टेस्ट है एंड दी पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले वहाँ होता है, पेमेंट काउंटर के पास भी चीज़ें प्रमोशन में लगी होती हैं। नाउ दिस ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, अब ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो ट्रेडर्स के लिए है वो क्या क्या है। ट्रेड अलाउंसेस दिए जाते हैं, डीलर लोडर ट्रेड कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं एंड द पुश मनी। नाउ द लेक्चर नंबर 27 विच इज़ अबाउट द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को अगर जनरली स्पीकिंग कहा जाए तो इसका मतलब है प्रमोशन करना गुड्स सर्विसेज की, कंपनीज़ की भी, आइडियाज़ की भी। यूजुअली परफॉर्म बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, यानी पता होता है हमें कि स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें एडवर्टाइजिंग की तो हमें हिस्ट्री में भी एंशियंट वर्ल्ड के अंदर भी एडवर्टाइजिंग के प्रूफ मिलते हैं, इंडिया के अंदर भी एंशियंट दौर में वॉल पे एडवर्टाइजिंग होती थी, जो भी रूलर होता था किंग वगैरह जो भी होता था वो मैसेजेस देता था फार्मर वगैरह को एडवर्टाइजिंग के थ्रू, वॉल के ऊपर एडवर्टाइजिंग करा के। इसके अलावा एंशियंट इजिप्ट को अगर हम देखें या एंशियंट ग्रीक या रोम को, वहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग के हमें प्रूफ मिलते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी हज़ारों सालों से चलती हुई एक टेक्निक्स है प्रमोशन की। अच्छा, मीडिया क्या है, मीडिया जो है वो मीडियम की प्लूरल फॉर्म है, डिफरेंट मीडिया यूज़ किए जाते हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए। अब उनके कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे वॉल पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग कर दी जाती हैं, डिफरेंट कंपनीज जो है वो वॉल करती हैं, वॉल के ऊपर खूबसूरत सी पेंटिंग बना देती हैं। अब ये पेंटिंग को आप उससे कन्फ्यूजन में मत लीजिएगा कि वॉल के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई हो, पेंटिंग एक अलग चीज़ होती है, खूबसूरत पेंटिंग बना दी जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं।
इसके अलावा बिल बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स आपने देखा होगा लगे होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कलरफुल और बड़ी बड़ी पिक्चर्स उस पर होती हैं। स्ट्रीट फर्नीचर कंपोनेंट्स यानी कि अब जो स्ट्रीट पे जो फर्नीचर मौजूद होता है, जैसे बेंचेस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर और होता है, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की होती है। हमारे कंट्री में तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर ऐसी ये एडवर्टाइजिंग काफ़ी कॉमन है। प्रिंटेड फ्लायर्स हैं। फ्लायर्स क्या हैं? ये एक्चुअली पेजेस होते हैं, कुछ प्रिंटेड एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर प्रमोशन की जाती है। रेडियो तो आपको पता ही होगा, रेडियो पे एड्स चलते हैं। रेडियो में होता क्या है कि सिर्फ जो है वो ऑडियो होती है, सारी बातें विजुअल्स नहीं होता। सिनेमा की एडवर्टाइजिंग बहुत इफेक्टिव है क्योंकि लोग जो है वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। टेलीविजन एड्स तो आपको पता ही है, बहुत कॉमन है, इसमें ऑडियो विजुअल दोनों होता है। वेब बैनर्स और वेब पॉपअप, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जो वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजिंग चल रही होते हैं, बैनर्स भी आते हैं और पॉपअप एडवर्टाइजिंग भी आती है। इसके अलावा स्काई राइटिंग, इसमें जहाज़ के ज़रिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, ये एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे नहीं होती, बाहर होती है। एडवर्टाइजिंग जहाज़ के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजिंग किया जाता है, उसमें जो है उसके स्मोक फ्यूम्स के थ्रू जो है वर्ड्स को कुछ लिखा जाता है जिस चीज़ की प्रमोशन की जा रही होती है। और बस स्टॉप बेंचेस, ये तो शायद आपने देखा हो, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो बस स्टॉप पे बेंचेस लगी होती हैं उसी के ऊपर जो है प्रमोशन चल रही होती है प्रोडक्ट्स की। और मैगजीन्स तो बहुत प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग के अंदर मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है प्रिंटिंग की एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर भी आ गया अब यहाँ पे, न्यूज़पेपर भी यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में अक्सर आपने एड्स देखे होंगे, क्लासिफाइड एड्स वगैरह भी आते हैं उसमें। टाउन क्रायर्स हैं, जो क्रायर से मुराद वो लोग जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें लगाते हैं गलियों गलियों जाके, और पाकिस्तान में तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और कुछ ज़्यादा ही कॉमन है यहाँ पे। ये वो हर जगह जा जा के आवाज़ें लगाते हैं चीज़ों को सेल करने वाले, तो वो भी एक तरह की प्रमोशन कर रहे होते हैं। बहुत से लोग आइसक्रीम सेल करते हैं तो वो अपनी आइसक्रीम की प्रमोशन कर रहे होते हैं और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा होता है। साइड्स ऑफ बसेस की साइड्स पे भी अक्सर एडवर्टाइजिंग होती है। टैक्सी कैब वगैरह के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। म्यूजिकल स्टेज शोज होते हैं म्यूजिकल, उनके थ्रू भी, सबवे के थ्रू भी। सबवे जो है ये एक टनल होती है, एक तरह से अंडरग्राउंड एक रोड होता है समझ लें, जिसके अंदर लोग चलते हैं, तो उसके अंदर भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के, ये तरीके बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे कि प्लेटफॉर्म है, ट्रेन हैं, इलास्टिक बैंड्स ऑन डिस्पोजेबल डायपर्स है, उसके अलावा स्टिकर तक जो एप्पल्स पे लगे होते हैं उनके थ्रू भी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है। वैसे हमारे मुल्क में तो यहाँ पे स्टिकर के थ्रू उसका जो डिफेक्ट है एप्पल का वो भी छुपाया जा रहा होता है, लेकिन साथ में असल मकसद तो उसका होता है एडवर्टाइजिंग का, लेकिन यहाँ पे तो फिर उससे दो दो काम किए जा रहे होते हैं। और उसके अलावा ओपनिंग सेक्शन ऑफ द स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो एंड द बैक्स ऑफ द इवेंट टिकट्स, अक्सर टिकट्स के बैक के भी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है। डिफरेंट इवेंट्स के टिकट हैं, जैसे कोई म्यूजिकल है या कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बैक पे भी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है। सुपरमार्केट्स अगर आप कभी गए हो तो उसकी रिसिप्ट पे भी एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है। अब यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग की कुछ एक डेफिनेशन दी हुई है, इसके मुताबिक ये है कि एनी प्लेस एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर पेज टू डिलीवर देयर मैसेज थ्रू अ मीडियम ऑफ इज एडवर्टाइजिंग। इस डेफिनेशन के मुताबिक एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन वो ये है कि किसी भी जगह पर जब एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ऐसा स्पॉन्सर जिसके बारे में पता होता है कि ये स्पॉन्सर है, वो पे करता है अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए किसी भी एक मीडियम के थ्रू। मीडियम कौन सा है, ये सारे मीडियम आपको बता दिए गए, तो उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। यानी कि स्पॉन्सर जो है वो पे कर रहा है कि उसका मैसेज जो है वो पहुँचाया जाए मीडियम के थ्रू कस्टमर्स तक, पोटेंशियल कस्टमर्स तक, तो इसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अब ये एक फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजर हैं, जॉन वेनमेकर, इनका कहना है कि हाफ द मनी आई स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टेड, आधा पैसा जो मैंने एडवर्टाइजिंग पे लगाया वो वेस्ट हो गया। द ट्रबल इज़ आई डोंट नो विच हाफ, यानी मसला ये है कि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा हाफ, फर्स्ट हाफ या सेकंड। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन सा हाफ जो है वो वेस्ट हुआ है, लेकिन आधा पैसा जो है वो वेस्ट हुआ है एडवर्टाइजिंग का। नाउ द लेक्चर नंबर 28, इसमें भी है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है ये तो अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है जो पिछले वाले लेक्चर के अंदर आई थी एडवर्टाइजिंग के बारे में, कि ये जो है प्रमोशन है। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रमोशन है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और ये पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, पे करना पड़ता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो है क्या? इज़ अ मीन टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड,
इंसान की जो ज़रूरत है वो सेटिस्फाई करती है प्रोडक्ट, जो है उसको पूरा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को भूख लग रही है तो जो प्रोडक्ट है यानी कि खाना है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, एक्स वाई जी जो भी है खाने की चीज़, तो वो जो है उस नीड को जो है वो सेटिस्फाई करेगी, उसको पूरा करेगी। तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब जारी बात है एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी की प्रोडक्ट की। और एडवर्टाइजिंग इज़ अ सोर्स ऑफ एजुकेशन, एक एजुकेशन का भी सोर्स है एडवर्टाइजिंग जो है। ट्रेडिशन जो है वॉल पेंटिंग का जो है वो इंडिया के अंदर हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। रॉक आर्ट पेंटिंग थी जो तकरीबन 4000 BC में, यानी कि ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स पहले। ये आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर जो है वो एंशंट इंडिया के अंदर वॉल पेंटिंग के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग होती थी वो तकरीबन 4000 BC में हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 4000 BC के अंदर भी वो एडवर्टाइजिंग होती थी। इजिप्शियन जो है वो क्या करते थे एडवर्टाइजिंग करने के लिए, वो जो है पेपरस यूज़ करते थे। ये एक ख़ास किस्म का पेपर होता था पहले के दौर में, मोटा पेपर होता था, उसको यूज़ किया जाता था सेल्स मैसेजेस के लिए और वॉल पोस्टर के लिए। इजिप्शियन इसको यूज़ करते थे। जबकि लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजिंग पेपरस पे जो होती थी वो ग्रीस और रोमन के जो लोग थे वो करते थे। एडवर्टाइजिंग है क्या, समय रिले ऑफ इंफॉर्मेशन है तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन। रिले से मुराद यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर तक पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना। पहली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनी वो 1843 में बनी और इसको बनाने वाले थे वॉलनी पैलमर और फिलाडेल्फिया में ये एजेंसी बनी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी 1843 में बनी, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती थी, एडवर्टाइजिंग होती थी लेकिन विदाउट एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजिंग होती थी। अब हज़ारों सालों से एडवर्टाइजिंग चल रही है जैसे कि आपको पीछे बताया, लेकिन वो तमाम एडवर्टाइजिंग किसी एजेंसी के बगैर होती थी। जो पहली एजेंसी बनी वो 1843 में बनी। अब जारी बात है इसके लिए मीडिया यूज़ होते हैं और हिस्टोरिकली हम देखें तो एडवर्टाइजिंग ने काफ़ी लंबा जो है वो फासला तय कर लिया है और मीडिया जो है उसके अंदर भी काफ़ी चेंज आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कई सारे मीडिया में और जो मीडिया यूज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग में, जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के अंदर, उसके बारे में पहले भी आ चुका है, अभी इसको दोबारा देख लेते हैं। वॉल पेंटिंग्स है जैसे, बिलबोर्ड्स हैं, इसको आउटडोर एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, स्ट्रीट फर्नीचर कंपोनेंट्स हो गए, फिर प्रिंटेड फ्लायर्स हो गए, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया। प्रिंटेड फ्लायर्स जो है ये क्या होते हैं, ये एक फोल्डेड मटेरियल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कुछ पेजेस होते हैं और ये एक फोल्डेड मटेरियल होता है जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडियो जो है उसकी पोटेंशियलिटी जो है वो ज़्यादा होती है देखने से। अगर हम ऐड की बात करें एडवर्टाइजिंग की तो उसमें जो ऑडियो होती है उसकी पोटेंशियलिटी देखने से ज़्यादा होती है। सिनेमा जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट है, तब ज़्यादा कन्वे करता है लोगों को एडवर्टाइजिंग, अगर हम सिनेमा की एडवर्टाइजिंग की बात करें, क्योंकि लोग वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए होते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न एड्स तो आपको पता ही हैं और वेब बैनर्स और वेब पॉपअप, ये जो है वो इंटरनेट के ऊपर आने वाली एडवर्टाइजिंग है। स्काई राइटिंग भी आपको बताया है, एयरक्राफ्ट के थ्रू की जाती है, स्टॉप बस स्टॉप की बेंचेस हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टाउन क्राइज जो आवाज़ें लगाते हैं बेचने वाली चीज़ें, साइट्स ऑफ बसेस, बसेस की साइट्स पे यूज़ होती है। तो एडवर्टाइजिंग इज़ बेस्ड ऑन दी क्वालिटीज़ ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी। एडवर्टाइजिंग जो बेस करती है वो क्वालिटीज़ के ऊपर बेस करती है वेरियस टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, वेरियस क्वालिटीज़, तो उसके ऊपर बेस करती है। इसके अलावा आप कुछ और मीडिया है एडवर्टाइजिंग के, टैक्सी कैब है, म्यूजिकल स्टेज शोज एंड द सबवे एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेन्स, इलास्टिक बैंड्स ऑन डिस्पोजेबल डायपर्स, इलास्टिक बैंड्स जो होती हैं डिस्पोजेबल डायपर्स के ऊपर, स्टिकर्स ऑन एप्पल्स इन सुपरमार्केट, जो एप्पल्स होते हैं उनके ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं वो भी एक एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये दोबारा वही डेफिनेशन दी गई है कि एनी प्लेस एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई भी जगह जहाँ पे एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो है वो पे करता है, पैसे देता है, यानी कि अपना मैसेज को डिलीवर करने के लिए किसी भी मीडियम के थ्रू, यानी जितने भी मीडियम आपको बताए गए, मीडिया बताए गए, मीडिया जो है वो मीडियम की जमा है, जब मीडियम को यूज़ करता है वो, तो वो जो है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू रीच अवर पोटेंशियल कस्टमर। एडवर्टाइजिंग करने का मकसद क्या है कि हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचते हैं, ऐसे लोगों तक पहुँचते हैं जो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम बताते हैं और फिर वो जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। हमें क्या करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है
उनको हमारी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है और साथ में ये भी बताना होता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में एंड डी लिटिल एग्जेजरेशन, यानी एक चीज़ और भी है कि हम ज़्यादा एग्जेजरेट ना करें अपनी प्रोडक्ट के बारे में, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना बोलें। तो एग्जेजरेशन भी हमें जो है वो लिटिल एग्जेजरेशन करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना बोलें। नाउ द लेक्चर नंबर 29, इसमें है माइंड शेयर। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का। माइंड शेयर क्या है? रूट है मार्केटिंग का, यानी बेस है, बुनियाद। माइंड शेयर का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन थॉट्स का ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो इसको हम कहते हैं माइंड शेयर। अब इसकी एक एग्जाम्पल दिए कि सपोज करें आप किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कुछ एक लिस्ट आती है, कुछ खास नाम आपके जहन में आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचा है। फॉर एग्जांपल आप किसी टॉफ़ी के बारे में सोच रहे हैं, चॉकलेट के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी और प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ खास नाम आपके जहन में आते हैं, तो वो जो नाम जहन में आ रहे हैं वो इवोक्ट हो रहे हैं आपके जहन में और वो एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स का, उन ब्रांड्स का एक्चुअली माइंड शेयर है जब भी वो आपके जहन में नाम आ रहा है। और यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे आप कॉलेज में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वहाँ से डिग्री वगैरह या इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं कॉलेज से, तो आपके जहन में कई सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन कई आपके जहन में चंद नाम आएंगे। नाम तो बहुत हैं, कॉलेजेस तो बहुत हैं, सैकड़ों कॉलेजेस हैं, लेकिन जहन में आपके मुश्किल से 10 नाम आएंगे। अब वो जो 10 नाम आपके जहन में आएंगे उनका ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन होगा आपके माइंड शेयर का, तो जितना ज़्यादा माइंड शेयर का प्रोपोर्शन होगा उतने ज़्यादा पहले वो नाम आपके जहन में आएंगे। अब मार्केटर्स क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट का शेयर को, और माइंड शेयर जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है ग्रेटर डिग्री या लेसर डिग्री पे भी, डिपेंड करता है मार्केट सेगमेंट के ऊपर। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसी तरह का, वो है टॉप ऑफ माइंड। वो ये है कि जितना ज़्यादा आप ईजिली एक ब्रांड को याद रख सकते हैं, द क्लोजर इट इज़ टू योर टॉप ऑफ माइंड, वो उतनी ज़्यादा क्लोज होगी टॉप ऑफ माइंड से, जितना ज़्यादा आप उसको याद रख सकते हैं ईजिली। नाउ द डोमिनेंट माइंड शेयर, अब ये डोमिनेंट माइंड शेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसका जेनरिक नेम नहीं होता, लेकिन लोग उसको ब्रांड नेम से पुकारना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोग डायपर को पैम्पर कहते हैं हमारे यहाँ पर, डायपर को लोगों ने पैम्पर कहना शुरू कर दिया, हालांकि पैम्पर एक ब्रांड है, वो एक अलग कंपनी है, वो एक अलग ब्रांड है, लेकिन डायपर जो है उसका जेनरिक नेम है, लोगों ने डायपर के बजाय उसको पैम्पर कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर लोग जीप कहते हैं, जिस गाड़ी को जीप कहते हैं उसका असल में नाम जीप नहीं है, उसका नाम असल में SUV है। जीप एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो जीप जो SUV बनाती है। इसी तरह से SUV जिसको हम जीप कहते हैं वो कई सारी कंपनीज बनाती हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे जीप कहना शुरू कर दिया, और SUV लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, शायद ही कोई यूज़ करता हो। इसी तरह से पिकअप गाड़ी है जिसको हमारे यहाँ सुजुकी कहा जाता है, हालांकि सुजुकी कोई गाड़ी नहीं है, सुजुकी एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसको लोगों ने सुजुकी कहना शुरू कर दिया, पिकअप है असल में वो गाड़ी, और पिकअप भी कई सारी कंपनीज की आती है। तो ये होता है डोमिनेंट माइंड शेयर, कि जो प्रोडक्ट जिसका जेनरिक नेम तो कुछ और है, लोग उसको एक ब्रांड नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं, और डोमिनेंट माइंड शेयर ही अल्टीमेट गोल होता है किसी भी मार्केटिंग मैनेजर का। नाउ द मीडिया, मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया जो है वो प्लूरल है मीडियम की, जिसके थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो टारगेट ऑडियंस या पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचता है, और ये क्वाइंड हुआ था 1920s में, जब दुनिया भर में जो है रेडियो नेटवर्क्स और मास सर्कुलेशन न्यूज़पेपर की और मैगजीन की हुई, और मीडिया के थ्रू रिमेंबर कराया जाता है प्रोडक्ट को या रिकॉल कराया जाता है। अगर आप कोई बिलबोर्ड देखते हैं तो बिलबोर्ड देख के आपको याद भी आ जाता है, आप रिकॉल कर लेते हैं, आपको रिमेंबर भी करा दिया जाता है और रिकॉल भी करा दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अक्सर बिलबोर्ड पे ऐसा भी होता है सिर्फ प्रोडक्ट के नाम लिखा होता है बड़ा बड़ा, बाकी डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि जाहिर बात है ट्रैफिक के दौरान लोग इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते इस वजह से। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या करता है, लेयर्स बनाता है कस्टमर के माइंड में, जितने ज़्यादा एड्स चलते हैं आप देखते हैं तो उतनी ज़्यादा आपके माइंड में लेयर बनती चली जाती हैं, और उसी से फिर आप जहन में इवोक भी कर सकते हैं उस नाम को। और एडवर्टाइजिंग सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। अच्छा, मास मीडिया की बात करते हैं, मीडिया तो आपको समझ में आ गया क्या है, मास मीडिया के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक या पीपल तक जो है वो इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कन्वे की जा रही होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही होती है मास मीडिया के थ्रू, मिलियंस ऑफ पीपल तक, जैसे एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर के अंदर या टेलीविज़न है, टेलीविज़न में भी प्राइम टाइम का ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अभी हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया को अगर हम देखें तो जो मास मीडिया की जो ग्रोथ है वो एक्चुअली डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उतना ज़्यादा मास मीडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, टाइमलाइन पे इसकी नज़र डालते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। चार किस्म के एरा हैं,
नाइनटीन सेंचुरी से पहले का 1900 टू 1945 है, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन ईरा आया, फिर 1962 टू 2006 आ गया। अब सबसे पहले क्या हुआ, 1876 में पहली टेलीफोन कॉल जो है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की। उसके बाद 1878 में हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने पेटेंट किया फोनोग्राफिक फोनोग्राफ। उसके बाद 1890 में पहला ज्यूक बॉक्स जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था, पैलेस रॉयल सैलून में। नाउ दी 1890 में टेलीफोन वायर्स इंस्टॉल हुए मैनेथम में। 1895 में सिनेमाटोग्राफी इन्वेंट की ऑगस्ट और लुइस लुमरे ने। 1898 में जो है वो लाउड स्पीकर बनाए गए, और 1906 में जो है वो खेली गैंग्स नाम से एक फिल्म बनी ऑस्ट्रेलिया में, जो दुनिया की पहली फिल्म थी। 1912 में जो है एयर मेल जो है वो बिगिन हुए, आने शुरू हुए। 1960 में ट्यूनेबल रेडियोस इन्वेंट हुआ। 1990 में शॉर्ट वेव रेडियो इन्वेंट हुआ। 1922 में बीबीसी बना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, जो बीबीसी का पूरा नेटवर्क है वो बना, और उसने ब्रॉडकास्टिंग की लंदन तक। और 1933 में एडविन आर्मस्ट्रांग ने रेडियो इन्वेंट किया, और रेगुलर जो टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्टिंग हुई टीवी की वो 1939 में हुई यूएस के अंदर स्टार्ट। और पहला जो कलर टेलीविज़न सेल हुआ वो हुआ 1951 में, और जेरोक्स वालों ने पहला फोटोकॉपियर बनाया 1959 में, और ऑडियो कैसेट जो इन्वेंट हुई वो नेदरलैंड में हुई 1969 में, और पहली जो इंसान ने लैंडिंग की थी मून में वो की थी 1969 में, और उसको दिखाया गया था 600 पीपल अराउंड द ग्लोब, यानी दुनिया भर में 600 मिलियन लोगों ने देखा उसे। और 81 के अंदर जो है वो लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया टेंडी ने, और 83 में सेलुलर फ़ोन आना शुरू हुआ, यानी मोबाइल फ़ोन जिसको हम कहते हैं, और इंटरनेट ग्रो बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू हुआ 1995 में। उससे पहले आ चुका था लेकिन ग्रो 1995 में हुआ। अब ये जो एज है जिसमें हम मौजूद हैं, ये इन्फोबॉम की एज है। रेडियो टेलीविज़न से तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी, लेकिन जब से इंटरनेट आया तो एक तरह से एटम बॉम आ गया है इन्फॉर्मेशन का। नाउ व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ मास मीडिया, अब क्या क्या पर्पसेस हैं मास मीडिया के, एडवोकेसी है यानी किसी आइडिया को सपोर्ट करना, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, प्रोपेगेंडा वगैरह है, एनरिचमेंट और एजुकेशन करना मीडिया के थ्रू ये भी की जाती है, लोगों की एजुकेशन भी की जाती है, एनरिच भी किया जाता है उनको, जैसा कि लिटरेचर है, इंटरटेनमेंट पहुँचाना है मीडिया के थ्रू, और इंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, जर्नलिज्म दुनिया भर में क्या हो रहा है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट लोगों तक मैसेज पहुँचाना जो लोगों के फ़ायदे के लिए है, जैसे कि तंबाकू नोशी नुकसानदेह है, स्मोकिंग नुकसानदेह है, अल्कोहल नुकसानदेह, तो इस तरह की मैसेजेस पहुंचाना, ये जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में आता है। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, क्या क्या फॉर्म होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, नैरो सेंस में अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कहें तो वो रेडियो या टेलीविज़न के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग का वर्ड। उसके अलावा म्यूज़िक वीडियो एंड कंप्यूटर यूसेज, ये भी एक मीडिया की फॉर्म है। इसके अलावा फिल्म्स, जैसे कि आप जानते हैं फिल्म्स तो आप सबने देखी होंगी, इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादातौर पर यूज़ होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कई सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। इंटरनेट तो आपको पता ही है, इस वक्त भी आप ये लेक्चर जो है आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये भी एक मीडिया की फॉर्म है। कंप्यूटर गेम्स, ये भी एक मीडिया की फॉर्म है। अच्छा, माइंड शेयर में बेसिकली है क्या, इवॉक करना ब्रांड्स जो है माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचता है तो उसके जहन में कुछ खास ब्रांड का नाम आता है, तो माइंड शेयर का मकसद ये है, बेसिकली है ये माइंड शेयर। और मास मीडिया क्या करता है, कैरियर के तौर पे काम करता है टॉट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मार्केटर्स से एंड यूजर्स तक। अब टीवी के थ्रू अगर ऐड चल रहा है मास मीडिया है वो, तो उसके ज़रिए क्या होगा, जो टॉट्स मार्केटर के जहन में है वो एंड यूज़र के जहन में डालने की कोशिश करेगा कि इस प्रोडक्ट में ये भी है, उस प्रोडक्ट में ये भी है, इसके ये फीचर्स हैं और ये प्राइस है, तो इसको हम कहते हैं मास मीडिया जो है वो ये काम कर रहा होता है, ट्रांसफरिंग का काम कर रहा है एक तरह से टॉट्स का, इन्फॉर्मेशन का। नाउ द लेक्चर नंबर 30, टेलीविज़न कमर्शियल्स, टेलीविज़न कमर्शियल्स और बिलबोर्ड्स इस लेक्चर के अंदर शामिल है। तो टेलीविज़न कमर्शियल को सबसे पहले देखते हैं, ये एक एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है जिसके अंदर गुड सर्विस या आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है टेलीविज़न के मीडियम के थ्रू। सिंपल बात की जाए तो टेलीविज़न का मीडियम यूज़ किया जाता है किसी भी तरह की प्रमोशन करने के लिए। मोस्ट कमर्शियल्स जो होते हैं वो ज़्यादातौर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ही काम होता है कि वो टेलीविज़न के जो एड्स हैं वो बनाएं, और एयर टाइम जो है वो परचेज़ किया जाता है टेलीविज़न चैनल या नेटवर्क से। और पहला जो टेलीविज़न कमर्शियल एयर्ड हुआ था वो हुआ था 2:29 PM पे July 1, 1941। इफेक्ट जो है टेलीविज़न कमर्शियल का ये डिपेंड करता है कि जो पब्लिक व्यूइंग पब्लिक है हैज़ बीन सो सक्सेसफुल एंड सो परवेसिव,
that it is considered impossible for a politician to wage a successful election campaign without airing a good television commercial. तो अब जारी बात है, successful politician की जो एक campaign होती है, election campaign, वो भी possible नहीं है एक अच्छे television commercial के बगैर. टेलीविज़न कमर्शियल्स जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल्स होते हैं. इसमें एक तरफ तस्वीर भी है और एक तरफ वीडियोस भी मौजूद है, दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कमर्शियल की? कैची जिंगल्स होता है, कैच करना चाहिए इसको अटेंशन. जिस तरह से आइडिया का मॉडल है अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एंड एक्शन, तो टेलीविज़न कमर्शियल को अटेंशन जो है वो कैच करना चाहिए जिंगल्स के थ्रू भी. जिंगल्स से मुराद ये कि किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में गा के बताना. एंड ह्यूमर होना चाहिए इसके अंदर और एनिमेशंस होनी चाहिए, यानी कार्टून वगैरह का इस्तेमाल किया जाए. पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविज़न के जो कमर्शियल हैं वो इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए और जो कल्चर है पाकिस्तान का उसके मुताबिक होना चाहिए. और टेलीविज़न कमर्शियल जो है वो फॉर्म करता है इमेज और कैप्चुलेट कर लेता है इमेज को. और टाइप्स ऑफ टेलीविज़न कमर्शियल अगर हम देखें तो पहली जो टाइप है वो है इन्फॉर्मर्शियल. ये इन्फॉर्मर्शियल जो है वो बना है लफ्ज़ इन्फॉर्मेशन और कमर्शियल इन दोनों को मिला के, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी कमर्शियली एक वैल्यू है. सो इट इज़ अ कमर्शियल इन्फॉर्मेशन डेट इज़ कन्वेड थ्रू टेलीविज़न कमर्शियल. कमर्शियल इन्फॉर्मेशन ये होती है जिसको टेलीविज़न कमर्शियल के थ्रू कन्वे किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मर्शियल. उसके अलावा प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अगर हमारी प्रोडक्ट कहीं अवेलेबल है तो उसकी प्लेसमेंट को हम बता रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है टेलीविज़न कमर्शियल के थ्रू. इसके अलावा है नेटवर्क और लोकल स्टेशनिंग प्रोमोशनल एडवर्टाइजिंग, ये कहलाता है प्रोमो. प्रोमो जो अक्सर आते हैं, आपने देखा होगा प्रोमो आ रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये उसको कहा जाता है. और ये जो वर्ड प्रोमो है ये ड्राइव हुआ है और वर्ड प्रोमोशन से है. इसके अलावा टेलीविज़न कमर्शियल डोनट. डोनट एक बड़ी मज़ेदार खाने की चीज़ होती है, आपने भी शायद देखी हो या खाई भी हो सकता है आपने. तो इसमें प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जा रहा होता है और ज़ाहरी बात है इवोक किया जाता है इंटरेस्ट को लोगों के. और शेयरिंग ऑफ माइंड होता है इसमें, टॉप ऑफ माइंड चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं जब कमर्शियल होता है. अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम प्रिवेल कर सकें कंज्यूमर के ऊपर. हम मार्केटिंग मैनेजर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आर इनफैक्ट कंट्रोलिंग सिविलाइजेशन. हम सिविलाइजेशन को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ द बिलबोर्ड्स. अब बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड के लिए अब या होर्डिंग के लिए आपने अक्सर देखा होगा बाहर लगे हुए होते हैं. ये पहले भी आ चुका है, ये बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिसके थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो पहुँचाया जा रहा होता है कस्टमर तक, कंज्यूमर्स तक. और इनके ऊपर जाहिर बात है पिक्चर्स भी लगी हुई होती हैं, स्लगन्स वगैरह भी होते हैं, विटी स्लगन्स होते हैं. विटी से मुराद ऐसे जो मजाया हों लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो इस तरह किस्म के जो है इस पर लगे होते हैं. अब बिलबोर्ड्स की भी कई सारी टाइप्स हैं. एक तो ट्रेडिशनल बिलबोर्ड्स हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, जो कि खोखे की लकड़ी वगैरह से भी बने हुए होते हैं. तो इस तरह की यहाँ पे एक नॉर्मल किस्म के जो बिलबोर्ड लगे हुए होते हैं जो बिल्कुल स्टैटिक किस्म के होते हैं, रुके हुए होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिलबोर्ड्स. डिफरेंट पिक्चर्स उस पर लगी हुई वगैरह हो सकती है. दूसरा होता है मैकेनिकल बिलबोर्ड, ये वगैरह मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं. रोटेट करते हैं, जब एक तरफ रोटेट करते हैं तो एक इमेज आती है, दूसरी तरफ रोटेट करते हैं तो दूसरी इमेज आती है. ये मैकेनिकल बिलबोर्ड कहलाते हैं. और जाहिर बात है ये जो है मॉडर्न बिलबोर्ड जो है कुछ उनमें जो है सारी बातें मैकेनिकल बिलबोर्ड शामिल है. इसके बाद फिर जब मैकेनिकल बिलबोर्ड आए, ट्रेडिशनल आए, मैकेनिकल आए, फिर डिजिटल बिलबोर्ड्स अभी अब आ चुके हैं. पाकिस्तान में तो ये इतने कॉमन नहीं है लेकिन कई जगहों पे ये भी देखने में मिल जाते हैं, बड़े बड़े शहर में जैसे लाहौर में, कराची वगैरह में. तो अब ये ऐसे बिलबोर्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक किस्म के बिलबोर्ड्स होते हैं. इसमें ये होता है कि डिजिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाकायदा इस पर स्क्रीन होती है और जो है वो एड्स वगैरह इस पर दिखाए जा रहे होते हैं और प्रमोशन की जा रही होती है. और जाहिर बात है डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे होती जा रही है तो डिजिटलाइजेशन का नतीजा है डिजिटल बिलबोर्ड्स, मोबाइल बिलबोर्ड्स. अच्छा अब ये मोबाइल बिलबोर्ड्स जो है एक्चुअली ये क्या है, मोबाइल से मुराद होती है ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके. जब भी मोबाइल फ़ोन कहा जाता है उसको, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. मोबाइल बिलबोर्ड भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अब ये डिफरेंट व्हीकल्स मुख्तलिफ गाड़ियों में लगाए जाते हैं, जैसे बसेस के ऊपर लगा दिए, कैब्स के ऊपर लगा दिए, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं और उनमें प्रोमोशनल मैसेजेस होते हैं. नाउ द प्लेसमेंट ऑफ बिलबोर्ड. अब इसकी जो प्लेसमेंट होती है ये इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ऐसी जगह पर लगाई जाए जहाँ पर एक पढ़ने वाली जो ऑडियंस है उसका अटेंशन भी मौजूद हो और साथ में टारगेट ऑडियंस का वहाँ से गुजरना मौजूद हो. अगर ऐसी जगह पर बिलबोर्ड लगा दिया जहाँ पर टारगेट ऑडियंस ही मौजूद नहीं है तो फिर नुकसान होगा. नॉन कमर्शियल यूज़ भी होता है बिलबोर्ड्स का. ज़रूरी नहीं है कि बिलबोर्ड सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यानी कि एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाए, बल्कि ऐसे भी बिलबोर्ड्स होते हैं जिनमें इस तरह के एड्स चल रहे होते हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन की जा रही होती है, कुछ पब्लिक सर्विस मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं.
कई सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, इस तरह। तो और भी कई तरह की चीज़ें जो है वो उसमें दी जा सकती हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कमर्शियल यूज़ ऑफ बिलबोर्ड्स कहा जाता है। एडवर्टाइजिंग स्लोगन, स्लोगन क्या है? एन एक्सप्रेशन अबाउट अ प्रोडक्ट इन फ्यू वर्ड्स, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक एक्सप्रेशन फ्यू वर्ड्स यानी चंद वर्ड्स में, तो इसमें कुछ वर्ड्स का एक स्लोगन बनता है। और एक इफेक्टिव स्लोगन क्या होता है? एक इफेक्टिव स्लोगन जो ऐसा होता है जो बेनिफिट बताता है, मेन बेनिफिट जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड के, वो बता रहा होता है। और उसके अलावा ये स्लोगन से ये पता चलता है कि उस ब्रांड में जिसकी एडवर्टाइजिंग की जा रही है उसमें और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क लीगल कंस्ट्रेंट के मुताबिक होना चाहिए, कानूनी जो एक दायरा है उसके मुताबिक, गैर कानूनी तरीके से आप फ़र्क नहीं बताएं। उसके अलावा डायरेक्ट और होना चाहिए, ये सिंपल, सादा, आसान और कॉन्साइज हो, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात ना हो, क्रिस्पी किस्म का हो, और एप्ट स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं ये वो होना चाहिए, सादा सा हो, आम लोगों के भी समझ में आ जाए, क्रिस्पी किस्म का सेंटेंस, तो मज़ा आए जो लोगों को सुनने में। और विटी होनी चाहिए, जारी बात है, इनके थोड़ा सा फ़नी किस्म का हो लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो इस तरह का भी होना चाहिए। और डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, हर स्लोगन की एक अलग पर्सनैलिटी हो और प्रोडक्ट के बारे में क्रेडिबल किस्म की इमेज इंप्रेशन दे, एक अच्छा इमेज दे। नाउ एज अ मार्केटिंग मैनेजर क्या करना होता है? फॉर्मुलेट करना होता है एडवर्टाइजिंग स्लोगन को, या फिर उसको फॉर्मुलेट करवाना होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, हेल्प करना होता है कंसीव एन आइडिया करना होता है, फॉर्मुलेट करनी होती है इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट प्रोडक्ट के बारे में, और वर्क इन एसोसिएशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करना होता है, डेवलप करना होता है कंसाइज प्रिसाइज इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट। और ये बात याद रखिए कि इंटीग्रेटेड जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा पेइंग हैं, ज़्यादा पे करती हैं और फ़ायदेमंद है, गेनफुल है देन एफर्ट मेड इंडिविजुअली, यानी अलग से आप अगर कोई एफोर्ड करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितनी आप मिलके एफोर्ड करेंगे। नाउ द लेक्चर नंबर 31, सेल्स एंड सेलिंग टेक्निक। तो डिफरेंस देखते हैं सेल्स और मार्केटिंग के दरमियान। बहुत से लोग मार्केटिंग और सेल्स को सेम समझते हैं, जबकि सेल्स जो है मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग जो एक ब्रॉडर बहुत बड़ी एक मतलब ऐसी टर्म है जो जिसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मैनेजिंग प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, कई सारी चीज़ें शामिल हैं मार्केटिंग के अंदर। जबकि सेलिंग जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है मार्केटिंग का, यानी कि सिर्फ एक हिस्सा है। सेल्स जो है वो कार की तरह है और मार्केटिंग जो है वो ऐसी है जैसे ड्राइविंग अ कार है। एक कार को चलाने के लिए जारी बात है ड्राइवर की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं चलाई जा सकती। तो ड्राइविंग करने की तरह है कार को मार्केटिंग, और सेल्स जो है वो एक कार की तरह है, बगैर ड्राइविंग के सेल्स जो है वो रुकी हुई है, और बगैर ड्राइविंग के कार रुकी हुई है तो सेल्स भी जो है वो मार्केटिंग के बगैर रुकी हुई होती है। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी सेल्स नहीं होगी। तो सेल्स जो है वो एक्चुअली इसके मुताबिक अगर देखें जो यहाँ लिखा गया है, तो सेल्स का मतलब है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस जो रेपिटेटिव हो, क्योंकि सेल्स बार बार होती है, एक बार नहीं होती। अब लोगों को भूख लगती है तो वो बार बार जारी बात है खाना खाते हैं, होटल में जाके या घर पे मंगवा के बार बार वो खाना खाते हैं, वो रेपिटेटिव प्रोसेस होता है और मेजरेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 200 सोप लेने हैं तो मेजरेबल है ना, 200 सोप है तो रेपिटेटिव है और मेजरेबल होता है ये, एंड बाई विच अ सेल पर्सन रिलेट हिज ऑफरिंग इनेबल द बायर टू विजुलाइज हाउ टू अचीव हिज गोल इन एन इकोनॉमिक वे। किस तरीके से जो है वो बायर को ये विजुलाइज करता है जो सेल्स पर्सन होता है कि किस तरह से वो अपना गोल को अचीव कर सकता है इकोनॉमिक वे में। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल सेल्स का ये क्या है? जनरेट करना और क्लोज करना डील्स। जब जनरेट और क्लोज होती है डील्स तो सेल्स हो जाती है। और जारी बात है सेल्स के अंदर एजुकेट किया जाता है प्रोस्पेक्ट्स को, उनकी नीड्स को फिल किया जाता है और सेटिस्फाई की जाती हैं कस्टमर कंज्यूमर की वांट्स की। अब इसमें एक दिया हुआ है आपके सामने कि सबसे पहले नीड होती है, कोई भी चीज़ जो है वो जिसकी कमी होती है उसकी ज़रूरत होती है, भूख लगी है तो खाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर वांट्स होती है, कोई शख्स एक ख़ास चीज़ के बारे में वांट करता है, अगर किसी को बर्गर का शौक है तो वो चाहता है मैं बर्गर खाऊंगा, तो नीड से वांट बन गई। फिर उसके बाद डिमांड, अगर उसके पास मार्केट में 100 रुपये का बर्गर मिल रहा है, उसके पास 100 रुपये हैं तो उसकी वो डिमांड हो गई। फिर उसके बाद वो कंज्यूम कर लेता है प्रोडक्ट को, और फिर उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है। मार्केटिंग क्या करती है? एक्सेलरेट करती है, फैसिलिट करती है, प्रमोट करती है, जनरेट करती है एंड टू पुट इन टू एक्शन द ट्रांजेक्शन एक्ट, जब ट्रांजेक्शन एक्ट उसको एक्शन में लेकर आती है। नाउ द मोड्स ऑफ सेलिंग, सबसे पहला है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल का मतलब क्या?
फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या डोर टू डोर जो सेलिंग होती है वो उसमें आ जाता है। डायरेक्टली सेल करना कस्टमर को जाके, उनके साथ डायरेक्टली उनसे बात करना, उनको सेल करना, ये डायरेक्ट सेल में आता है। इसमें रिटेल और कंज्यूमर भी आता है। डोर टू डोर जैसा मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग सेल्समैन जो ट्रैवल करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पार्टी प्लान भी उसमें आ जाता है। नाउ दी इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल सेल में क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा होता है, एक बिजनेस से प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस में जा रही होती है, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में नहीं जा रही होती। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है अगर प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल सेल्स कहते हैं। इनडायरेक्ट सेल्स में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग और टेली मार्केटिंग यूज़ की जाती है, यानी कि डायरेक्टली सेल नहीं की जाती है हम कस्टमर को। अब एडवर्टाइजिंग होती है तो किसी भी कस्टमर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं करते, किसी भी कस्टमर को हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे होते। इनडायरेक्टली तौर पर हम कई सारे कस्टमर्स तक अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट सेल। तो नाउ द इलेक्ट्रॉनिक सेल्स अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होती है, जैसे वेब के ऊपर बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस से बिजनेस दूसरे बिजनेस तक, या बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस से दूसरे। तो ये ऐसी सेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप जानते हैं क्या है। नाउ द एजेंसी बेस्ड सेलिंग से मुराद ये कि किसी एजेंसी का यूज़ किया जाता है, जैसे ये स्टेट एजेंसी है तो ये एजेंसी बेस्ड सेल कहलाई जाती है। इसमें कंसाइनमेंट आ जाते हैं, सेल्स एजेंट आ जाते हैं, रियल इस्टेट जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेट एजेंसी। नाउ द टाइप्स ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन सेल्स होती है जिसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होती है और प्रोडक्ट जो है वो फिजिकली शिफ्ट हो जाती है बायर से सेलर तक, यानी कि उसकी जो ऑनरशिप है प्रोडक्ट की वो सेलर से बायर तक शिफ्ट हो जाती है। कंसल्टेटिव सेल में क्या होता है, एडवाइजिंग, एडवाइस की जाती है, जैसे कि लॉयर है, डॉक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो एडवाइस करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें कंसल्टेंसी के अंदर आ जाती है। कॉम्प्लेक्स सेल कंसल्टेंसी का एक स्टेप ज़्यादा है, इसमें किसी एक पर्सन को नहीं बल्कि एक मार्केट में एक जगह बना दी जाती है जहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स सेल की जा रही होती है। नाउ द क्रिटिक ऑफ सेलिंग, उनका कहना ये है कि सेल्स पर्सन जो होते हैं वो एक्चुअली लोगों को बाइस सेल की तरफ प्रोवोक कर रहे होते हैं, कि लोग को इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि सेल्स पर्सन के मुताबिक लोग जो है वो चीज़ें खरीदें। लेकिन यहाँ अगर क्रिटिक्स के जवाब दिया जाए तो एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप 5 लाख की कार ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी कस्टमर 5 लाख की कार ख़रीदना चाहता है, तो क्या कोई सेल पर्सन इस बात के लिए इवोक कर सकता है कि वो 50 लाख की कार ख़रीदे? आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता इस तरह से, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऐसा। ना तो इतनी डिमांड है उस पर्सन की, ना वो इतना उसका ख़रीदना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उस 50 लाख की उसको कार पसंद भी आ जाती है तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए परचेज करना। तो ये क्रिटिक जो था उसका ये जवाब दिया गया यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो सेल्स पर्सन के पास एक्चुअली एक आर्ट है परसुएट करने की, लेकिन एक्सटेंड तक नहीं है जाने की, यानी कि एक लिमिट क्रॉस नहीं वो कर करते हैं, होना नहीं चाहिए उनको, एक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। डैट वी कैन मेक अ पर्सन बाय अ थिंग ही डज नॉट नीड, ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन वो चीज़ खरीदे जिसकी फूज ओवर ही ना हो। सेलिंग टेक्निक्स क्या हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग में होता है क्या है कि आइडेंटिफाई किया जाता है जो पॉसिबल कस्टमर होता है, जो प्रोस्पेक्ट्स जिसको कहते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन हमारा पॉसिबल कस्टमर हो सकता है जो हमारी चीज़ लेगा, कौन इंटरेस्टेड हो सकता है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन, एक गुड सेल्स पर्सन जो होता है, सेलमैन होता है, उसकी एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है, एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, उसको मैनर्स और एथिक्स होते हैं कम्युनिकेशन के। क्लोजिंग होगी तो ही सेल्स कंप्लीट होती है, विदाउट क्लोजिंग कोई सेल्स कंप्लीट नहीं होती। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, एक अच्छा सेलमैन ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शन होते हैं, जो भी उसको एतराज़ात होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होती है उनके, और ना सिर्फ वो उन एतराज़ात के जवाब देता है बल्कि वो पहले से ही सोच लेता है कि कस्टमर कौन कौन से एतराज़ात उठाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ये बोलता है कि क्या इस गाड़ी को लेने से मेरी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा, या लोग मुझे मतलब मेरी इज्जत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इस तरह करके वो सवालात कई सारे कर सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है एक सेल पर्सन के लिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे भी, अपने स्किल्स पे भी, अपनी प्रोडक्ट पे भी जो वो सेल्स कर रहा है। दैट इज एम्पैथी होना चाहिए, दूसरों के फीलिंग को समझना, दूसरों के जो दूसरा सोच रहा है उसको मुताबिक, मतलब उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना उसके बारे में, तो ये एम्पैथी में आता है। सो यू हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना होता है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके, पूरा कर सके। सो इन एडिशन, अब एडिशन अगर हम करें तो एक एथिकल सेल पर्सन ऑलवेज मेक श्योर द प्रोस्पेक्ट
जो एक प्रोस्पेक्ट है, जो एक पोटेंशियल कस्टमर है, जो पॉसिबल कस्टमर है, वो रिसीव करे ज़्यादा वैल्यू जो उसने गुड सर्विस परचेज की है, जितना उसने पे किया उससे ज़्यादा। अब वैल्यू ज़्यादा रिसीव करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो उसने कॉस्ट पे की है उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले। एक एथिकल सेल पर्सन हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा वो कॉस्ट पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले कस्टमर को। ये चीज़ है। नाउ द लेक्चर नंबर 32 विच इज़ अबाउट द नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इंटरेस्टेड पार्टीज जो है वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं। अब जाहिर बात है जो पार्टीज़ होंगी वो आपस में अपने जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं, जिस बात पे वो डिसएग्री हैं, उनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपॉन एग्री अपॉन कोर्स ऑफ एक्शन, बार्गेन फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एडवांटेज। बार्गेनिंग होती है इसके अंदर टू क्राफ्ट आउटकम विच सर्व द म्यूचुअल इंटरेस्ट। और आउटकम जो होते हैं, जो उसका नतीजा निकलता है, वो दोनों पार्टीज़ के फ़ायदे का होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अब इसको यूजुअली जो रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये एक अल्टरनेटिव है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। फर्स्ट स्टेप क्या है? अब आपको स्टेप बताया जा रहा है नेगोशिएशन में। तो पहला स्टेप ये है कि ये डिटरमाइन करना है कि सिचुएशन इज़ इन फैक्ट अ नेगोशिएशन, यानी ऐसी सिचुएशन भी है जिस पर नेगोशिएशन हो सकती है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये की जाती है। उसके बाद असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ नेगोशिएशन आर, असेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं नेगोशिएशन की वो क्या हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज़, पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि दो पार्टीज़ हों। जारी बात है, अगर एक ही पार्टी है तो कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, दो पार्टीज़ होने चाहिए। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर हों, लेकिन सिग्निफिकेंट एक ख़ास किस्म का डिफरेंस मौजूद हो। और पर्पस ये है नेगोशिएटिंग का, कॉन्फ्रेंस का, टू सीक द कॉम्प्रोमाइज द डिफरेंस, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा होता है जब नेगोशिएशन की जा रही होती है। आउटकम ऑफ नेगोशिएटिंग कॉन्फ्रेंस में भी कॉम्प्रोमाइज सेटिस्फैक्ट्री टू बोथ साइड, लेकिन वो जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है इसका, वो सेटिस्फाई करता है दोनों को, दोनों साइड्स को। नाउ द नेगोशिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इन दोनों से अलग चीज़ है। अब इन दो तीनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं इनको समझते हैं, नेगोशिएशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग और इन्फ्लुएंसिंग के अंदर। अब अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन, ऑब्जेक्टिव्स जो वो कॉमन होते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टी वो नहीं होता डिसीजन मेकिंग के अंदर। जबकि इन्फ्लुएंसिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव इन कॉमन जो है मस्ट बी प्रूवन बाय इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर को लाजमी प्रूफ करना होता है ऑब्जेक्टिव्स जो कि कॉमन होते हैं। जबकि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज क्या होता है? इन्फ्लुएंसर को शो करना होता है देयर इज़ नन। नाउ द नेगोशिएशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज़ वो भी होता है, और पार्टीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं। तो ये दोनों चीज़ें नेगोशिएशन के अंदर होती हैं। नाउ द अप्रोचेस टू नेगोशिएशन, तो एडवोकेट अप्रोच है एक, और एक है विन विन नेगोशिएट्स अप्रोच। तो जो एडवोकेट अप्रोच है उसमें होता क्या है, ये एक ट्रेडिशनल किस्म की अप्रोच होती है जिसके अंदर एक एडवोकेट होता है एक पार्टी के लिए, वो एडवोकेट करता है एक पार्टी के लिए और नेगोशिएशन के लिए, और फेवरेबल आउटकम हासिल करने की कोशिश करता है उस पार्टी के लिए। तो उस पार्टी का एडवोकेट होता है, और इसमें जाहिर बात है एक पार्टी का विन होता है इसमें, दोनों पार्टी का विन नहीं होता। और अगर कोई नतीजा ना निकले नेगोशिएशन के बाद तो फिर पटना को एक्सेप्टेबल किया जाता है। अब ये पटना क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। नेगोशिएशन थ्योरी में बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी जिसको बटना कहा जाता है, ये लिया जाएगा अगर करंट नेगोशिएशन फेल हो जाती है और एग्रीमेंट अगर नहीं बना नेगोशिएशन के बाद। दूसरी अप्रोच होती है विन विन अप्रोच। अब विन विन अप्रोच क्या होती है? इसमें दोनों पार्टी एक तरह से विन कर जाती हैं। जो पहली वाली अप्रोच थी उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन ऐसी नहीं होती जिसमें 100% एक साइड के ऊपर फेवर जा रहा हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो नेगोशिएशन एज अ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके तीन फेज हैं जिसमें 6 स्टेप्स हैं। तो पहला फेज है बिफोर नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन से पहले, और इसका जो पहला स्टेप है, पहले फेज के अंदर ही पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग और प्लानिंग करना। इसमें क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है कि व्हाट यू मस्ट हैव, क्या होना चाहिए आपके पास, एंड व्हाट यू आर विलिंग टू गिव, और क्या आप देना चाहते हैं, यानी बार्गेनिंग चिप्स। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद दूसरा है इस फेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। पहले फेज में सिर्फ एक ही स्टेप है और इसके अंदर है सेटिंग द टोन। अब टोन सेटिंग से मुराद आपको पहले नहीं बोलना है, दूसरी पार्टी जो है वो, क्योंकि दूसरी पार्टी हो सकता है उससे ज़्यादा आपको ऑफर कर दे जो आप बोलना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो
सेटिंग द टोन में पहले आपने नहीं बोलना। नाउ द अंडर एक्सप्लोरिंग अंडरलाइन नीड्स कि किस चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे जो है इस बात को देखा जाता है कि किस चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कहलाता है पोजिशनिंग एक्सप्लोरिंग अंडरलाइन नीड्स में। नाउ द सेलेक्टिंग रिफाइनिंग एंड क्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट, अब क्या होता है इस स्टेप में आके दोनों पार्टीज आपस में वो हो जाती हैं, अपने प्रपोजल देना शुरू हो जाती हैं, एग्री होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर रिव्यूइंग एंड रिकैपिंग द एग्रीमेंट, अब जो एग्रीमेंट हो गया उसको फॉर्मलाइज कर लिया जाए, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए या फिर लेटर ऑफ इंटेंट बना लिया जाए। उसके बाद फिर फेज थ्री शुरू हो जाता है आफ्टर द नेगोशिएशन, और उसके अंदर एक छठा स्टेप, अब जो नेगोशिएशन हो गई है उसके बाद उसको रिव्यू किया जाए, उस पूरा का पूरा नेगोशिएशन को रिव्यू किया जाता है। नाउ द टैक्टिक्स, अब कुछ टैक्टिक्स आप देख लें नेगोशिएशन के लिए जो बड़े ज़रूरी हैं याद रखना। तो पहला तो ये कि एनालाइजिंग द नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ योर काउंटर पार्ट, अब उसका स्टाइल समझे जो आपका काउंटर पार्ट है, जो आपका अपोजिट है नेगोशिएशन के अंदर जो पार्टी है के वो के क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग एंगर शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं, हालांकि होते नहीं है, बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इटालियन बहुत अच्छे नेगोशिएशन होते हैं और वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं नेगोशिएशन के वक्त। तो इस चीज़ को आप एनालाइज़ करेंगे, जो पार्टी है अपोजिट उसको एनालाइज़ करेंगे। नाउ दी सेट प्री कंडीशन, मीटिंग से पहले कुछ प्री कंडीशंस आप सेट कर लें। उसके अलावा और ये भी बात ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन किसी एक मीटिंग में हो जाए, कई बार कई मीटिंग में जाके किसी एक बात पे नेगोशिएशन कंप्लीट होती है। अपनी डिमांड को प्रेजेंट करें, ये ना हो कि इधर उधर की बातें करने लग जाएं, इधर उधर की बातें भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अपनी डिमांड को आप लाजमी प्रेजेंट करें और पहले ना बोलें, बोलने में पहल ना करें। अपना कंसेशन पैटर्न बताएंगे कि आप कंसेशन देना चाह रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, और रिजेक्टिंग एन ऑफ़र, अगर आप कोई ऑफ़र रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली आप मना नहीं करें कि भाई नो, ऐसे नहीं मना करें, थोड़ा थोड़ा करके उसको डायरेक्टली यस या नो वाला मामला ना होना चाहिए, टेक इट और लीव इट वाला मामला नहीं होना चाहिए, तो इस बात को भी ख्याल रखें। नाउ द लेक्चर नंबर 33 जो कि लास्ट लेक्चर है आज की इस वीडियो का, तो इसमें है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक। अब सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है मार्केटिंग और मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेल्स को, और इसको अगर कंबाइन कर दिया जाता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ भी इसको कंबाइन किया जाता है, और ऐसे केस में इसको कहा जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आप एक अलग से कोर्स शायद आपने पढ़ लिया हो या आप पढ़ेंगे, या हो सकता है आप पढ़ रहे हो। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस सिस्टम के, जो ऑटोमेट करने वाला सिस्टम है सेल्स पीपल के साथ, जो सेल्स के जो लोग हैं सेलमैन वगैरह उनके साथ क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज जो उनको है वो ये है कि उनको हाथ से बनाने की रिपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको बनी बनाए जो है वो ई फॉर्म्स मिल जाएंगे, उनको सिर्फ फिल करना होगा, तो ये उनका काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा। और इसी तरह हम पिप भी यूज़ करते हैं ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम को, जो कि कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम या फिर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। पिप जो है एक्चुअली एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जो कस्टमर्स को दिया जाता है सजेशन जब उनसे लिए जाते हैं, तो ये पिप फॉर्म सेल्स फोर्स को दे दिया जाता है ताकि वो कस्टमर से सजेशन ले सके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोडक्ट में। अब सेल पीपल जो है वो कंपनी का इंटरनेट भी यूज़ करते हैं ऑटोमेशन की वजह से, ताकि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकें, और जाहिर बात है इससे क्या होगा, हर वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस रहेगा इंटरनेट की वजह से, और जहाँ कहीं भी फील्ड पे ज़रूरत पड़ेगी इन्फॉर्मेशन की, वहाँ जो है वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा सकती है प्रोस्पेक्ट्स के आंसर के लिए। और जाहिर बात है सेल्स फोर्स सिस्टम कैन बी यूज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रेनिंग डिवाइसेस, ये जो सेल्स फोर्स सिस्टम है जो ऑटोमेशन वाले सिस्टम है ये एफिशिएंट और इफेक्टिव ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं, और इससे काफ़ी टाइम बच जाता है ट्रेनिंग वगैरह के अंदर, सेल्स फोर्स का जो टाइम वेस्ट होता है सेमिनार या दूसरी चीज़ों के अंदर जो टाइम लगता है। अब बेटर कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन जब होता है सेल्स पर्सन पर्सनल का, तो उससे क्या होता है सक्सेसफुल टीम सेलिंग होती है। अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑटोमेशन हो रही है इससे क्या होता है कि सेल्स पर्सन जो हैं उनका रेशियो सेलिंग के अंदर ज़्यादा होता है नन सेलिंग टाइम के बजाय, यानी कि सेलिंग में उनका टाइम ज़्यादा लगता है और नन सेलिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें टाइम कम हो जाता है। नन सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या, सेलमैन जो है बहुत सी नन सेलिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग है, ट्रेवल टाइम है, इंटरनल मीटिंग्स है, ट्रेनिंग है, सेमिनार्स। अब ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर बात है जब ऑटोमेशन हो जाती हैं तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। ऑटोमेशन होने के बाद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के अंदर उनका फिर टाइम जाता है, तो ज़ाहिर बात है सेल्स में टाइम जाएगा तो उससे क्या होगा, सेल्स को ही फ़ायदा होगा।
नाउ द एडवांटेजेस टू द सेल मैनेजर। अब ये इस ऑटोमेशन का सेल्स मैनेजर को क्या क्या फ़ायदा है। अब सेल्स मैनेजर को क्या मिलता है, ग्राफ चार्ट्स और टेबल्स वगैरह, इस तरह से जब एक टेबुलेशन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उससे काफ़ी आसान हो जाता है समझना, सिचुएशन को समझना। जाहिर बात है हर मैनेजर चाहता है कि वो अच्छी तरह से डेटा को आसानी से समझ सके, और इससे मैनेजर को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, जिसको हैंड्स ऑन कंट्रोल कहा जाता है। अब एनालाइज कर सकता है मैनेजर जो है वो इन्फॉर्मेशन को ईजिली, इन्फॉर्मेशन यूजलेस है जब तक उसका एनालाइज ना किया जाए, जब तक उसको तजिया ना किया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक एनालाइज जो उसको किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। नाउ द एडवांटेजेस टू द मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर्स को क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो पहला एडवांटेज ये है कि अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री से मुराद कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री से मुराद ये जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री में जितनी भी कार की कंपनियाँ होंगी वो तमाम शामिल होंगे। तो इसी तरह से किसी भी एक व्हीकल इंडस्ट्री, सॉरी कार इंडस्ट्री मैंने बोल दिया, व्हीकल इंडस्ट्री है तो जितनी व्हीकल्स बनती हैं वो ताल्लुक़ होगा इंडस्ट्री से, जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी, तो इंडस्ट्री से मुराद ये होता है। इंडस्ट्री में तमाम एक कैटेगरी की कंपनीज यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह शामिल होती हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडस्ट्री का समझ में आता है, पहला तो ये एडवांटेज है। दूसरा ये कि आइडेंटिफाइंग सेगमेंट्स विद इन योर मार्केट, जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की बात मैंने की, इंडस्ट्री का यूज़ भी होता है वर्ड इंटरचेंजबली मार्केट के साथ। तो जो मार्केट है या इंडस्ट्री है उसमें सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, जो वीक ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे वीक कॉम्पिटिटर बैठा है उसको आइडेंटिफाई कर लेना, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना, ये भी इसमें भी आसानी होती है आइडेंटिफाई करना, बेस्ट कस्टमर कौन सा है, जब डेटा होगा तो जाहिर बात है बेस्ट कस्टमर का भी पता चल जाएगा। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च करना ताकि प्रोफाइल डेवलप की जा सके, रिसर्च करना जाहिर बात है बहुत आसान हो जाता है ऑटोमेशन के पास ऑफ योर कोर कस्टमर, जो कोर कस्टमर्स हैं उनकी, और अंडरस्टैंड करना, समझना कॉम्पिटिटर्स को और उनकी प्रोडक्ट को, उनको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, और फिर डेवलप करना नई प्रोडक्ट्स को, और अंडरस्टैंडिंग कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का पता होना कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस क्या है, कमजोरियाँ क्या क्या हैं, और ऑडिट करना कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ योर ब्रांड इन फुल, यानी इससे मुराद ये कि अब हम प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लेता है अच्छी से अच्छी सोच के, कि जितनी अच्छी हो सकता है मैं बना सकूँ। अब वो क्या करता है, अपने आइडियाज़ अप्लाई करता है, और लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कस्टमर नहीं समझता, सारी बातें कस्टमर को नहीं पता। तो अब ऑडिट जो किया जाता है उसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसी लग रही है, क्या सोच रहा है कस्टमर आप, तो इस चीज़ का ऑडिट किया जाता है। उसके अलावा डेवलपिंग करना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को हर प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए, और वो मिक्स वेरिएबल कौन कौन से हैं ये तो अब तक आपने पढ़ ही लिए होंगे, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रोमोशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है प्लेस को। नाउ द स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, अब इन सारे डेटा के, ऑटोमेशन के क्या हैं, इससे क्या होता है कॉस्ट कम हो जाती है, ऑटोमेशन होने की वजह से कॉस्ट कम होती है, सारी बातें सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है, यानी कि इनकम जो है सेल्स से आने वाली वो बढ़ी और मार्केट शेयर बढ़ जाता है। मार्केट शेयर से मुराद जब सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सारी बातें इसी वजह से वो बढ़ रहा है कि वो मार्केट शेयर भी बढ़ चुका होता है, मार्केट शेयर बढ़ने से मुराद अब फैल चुकी है एक तरह से प्रोडक्ट मार्केट में, और जारी बात है प्रोडक्टिविटी इज़ इफेक्टिवली यूजिंग अवर रिसोर्सेज एंड टाइम टूवर्ड्स अचीविंग अवर गोल। प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्टिवली यूजिंग कर रही है हमारे रिसोर्सेज और टाइम को टूवर्ड्स अचीविंग अवर गोल। सो फील्ड सेल्स स्टाफ जो है वो सेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली, जो स्टाफ फील्ड पे है, जो फील्ड सेल्स का जो स्टाफ है फील्ड पे, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो भेज सकते हैं। जब जारी बात है जब हमने ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ है पूरा का पूरा इंटरनेट के थ्रू, तो वो स्टाफ फ़ौरन हमें इन्फॉर्मेशन भेज सकता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, और इन सिस्टम्स को इसलिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हमें जारी बात है तमाम डेटा मौजूद है अब हमारे पास, अब हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है या नहीं। और फिर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब बढ़ती है, जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं उससे क्या होता है कस्टमर की लॉयलिटी बढ़ती है, लॉयलिटी से मुराद कस्टमर लॉयल हो जाता है बार बार, फिर वो हमसे ही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में कमी आ जाएगी, एक्विजिशन कॉस्ट से मुराद कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, रिड्यूस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें कमी आ जाती है, एंड इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बढ़ जाता है। अब ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ऑटोमेट करने के लिए, तो इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली आसान बना रहे होते हैं, कन्वीनियंट और पॉसिबल बना रहे होते हैं, ईजी कन्वीनियंट और पॉसिबल बना रहे होते हैं। नाउ द
क्रक्स ऑफ टूडेज लेक्चर, जो आज का लेक्चर है, इसका क्या एक क्रक्स निकला है, ये है कि हमारे पास एनफ टाइम नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब हम मेन चीज़ के ऊपर फोकस करें, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, उसके लिए हम ऑटोमेशन कर दें। मार्केट्स जो एक्सपेंड हो रही हैं, फैल रही हैं, प्रोडक्ट्स जो मल्टीप्लाइंग हो रही हैं, नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं और प्रॉस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। सो कस्टमर टुडे हैज़ बिकम ए वेरी इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। और आज का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, सोफिस्टिकेटेड भी है, एनालिटिकल है, वो खुद एनालाइज कर रहा होता है, और क्रिटिकल किस्म का भी हो गया है वो। और ज़ाहिर बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो ज़ाहिर बात है कस्टमर को हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इसीलिए अब हमें भी अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर लेना चाहिए। जब कस्टमर को इतनी चीज़ें पता है तो कंपनी वालों को तो लाजमी अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर लेना चाहिए। तो यह था आज का लेसन, जिसमें आपको लेक्चर नंबर 23 से 33 तक करवाए गए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सकता है इस चैनल पे आपको एक और वीडियो करवाई जाए जिसमें लेक्चर नंबर 34 से लेकर 45 तक लेक्चर करवाए जाएँ। तो उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।